अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाया करेगी। तो ज़रूर प्लीज़ 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 मेरा चैनल अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ बताती हूँ। मुझे मैक्रोनी के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो 50 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, एक अदद मैंने प्याज ले लिया, एक अदद मैंने शिमला मिर्ची ली है छोटे साइज़ की, एंड दो अदद मैंने टमाटर लिए नॉर्मल साइज़ के, एक पैकेट हमने मैक्रोनी ले लिया। वैसे मुझे मैक्रोनी हाफ पैकेट चाहिए, एंड मैक्रोनी ये वाला बहुत अच्छा है, तो मेरी एडवाइस है आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे मैक्रोनी बनते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलें तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, मैं कटिंग करती हूँ, वापस मैं आती हूँ। देख सकते हैं आप लोग मैंने सब कुछ कटिंग कर लिया है। तो चलें तो अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले प्याज गोल्डन करूंगी। तो चलें तो चूल्हे की तरफ चलते हैं, देख सकते हैं सब कुछ कटिंग कर लिया, देख सकते हैं। तो एक हंडी ले लिया और मैंने चूल्हा मीडियम लो पर रख दिया, और ये हमने ऑयल ले लिया। तो चलें तो फिर इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल दिया तो अभी ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ। देख सकते हैं मैं इसके अंदर प्याज डालने लगी हूँ। मैं प्याज को अच्छा वाला कलर देना है, तो गोल्डन ब्राउन होती है, तो मैं इसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ, एंड मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी मैं इसके अंदर। तो देख सकते हैं बस लाइट ब्राउन हो जाए, थोड़ी सी गोल्डन कलर आ जाए इसका, तो फिर मैं इसे अदरक लहसुन एंड चिकन और सब कुछ ऐड करती हूँ इसके अंदर। इतने गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, तो अब टमाटर डाल देते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं बस थोड़े से टमाटर नरम हो जाएं, तो मैं चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर। देख सकते हैं आप लोग बस थोड़े से टमाटर नरम हो जाएं, 5 मिनट्स में ढक कर रखती हूँ, थोड़े से नरम हो जाएंगे टमाटर, तो मैं इसके अंदर चिकन, क्योंकि चिकन तो आपको पता है जल्दी से हो जाता है फ्राई, तो इसके बाद मैं चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो चलो इसे ढक कर रखते हैं, तो आप खोल के देखते हैं ढकना। 5 मिनट्स हो गई है हमें, तो देख सकते हैं आप लोग 5 मिनट्स हो गई है। तो अब चिकन डालने की बारी है कि, तो मैं चिकन डालती हूँ इसके अंदर। देख सकते हैं मैंने चिकन भी डाल दिया, एंड अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भर कर डाल दिया है। तो चलें तो मैं इसे थोड़ी सी भुनाई करती हूँ इसकी। तो देख सकते हैं आप चिकन कितना मज़े से है, कितना खुश खुश है चिकन, कि आज मैं मैक्रोनी बनूँगा, आज मैं मैक्रोनी में जाऊँगा। तो कितना खुश खुश है, देख सकते हैं आप लोग चिकन का कलर भी बहुत वाइट। अभी तक तो हमने मसाले भी नहीं डाले और इतनी कोई ज़ोरों शोरों से खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने अदरक लहसुन इतना जो डाला है इसके अंदर, तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलें तो मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ, तो कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो चलें तो मैं मसाले की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कुछ मसाले ले लिए हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची का लिया, और 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। तो चलें तो इसके अंदर मसाले डालते हैं। तो चलें तो मैं मिक्स करती हूँ सब। देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से कलर दिया है, देखिए कितने मज़े का कलर हो रहा है, और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है, देख सकते हैं आप लोग बहुत मज़े का, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। तो लास्ट में मुझे शिमला मिर्ची डालनी है, तो अब मैं शिमला मिर्ची डालने लगी हूँ। तो देख सकते हैं कितने मज़े का कलर है, बस ये कोरमा रेडी हो, कोरमा कह रही हूँ, ये मसाला रेडी हो चुका है मैक्रोनी का। तो मैं अब इसे 5 मिनट के ढक के रख दूँगी और मैक्रोनी बॉईल करते हैं। देख सकते हैं कि 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है, तो इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। अब मैं इसे नमक डालती हूँ इसके अंदर, 2 टेबल स्पून भर कर मैं इसके अंदर नमक का डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने डाला इसके अंदर, 1 टेबल स्पून और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 टेबल मैंने इसके अंदर डाल चुकी हूँ, 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ मैं बस, और एक ढक्कन मैं इसके अंदर, एक चमची मैं इसके अंदर ऑयल का ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग
स्पून इसके अंदर मैं ऑयल का ऐड कर रही हूँ, तो देख सकते हैं इससे हमारी मैक्रोनी बहुत मज़े की बनती है। तो ये टिप आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, खुली खुली बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। देख सकते हैं हमारा पानी बॉयल हो गया है मैक्रोनी का, तो देख सकते हैं बॉयल आने वाला है। तो अब इसके अंदर हम मैक्रोनी डाल देंगे, तो दिखा सकती हूँ मैं आपको, 1 प्याली भर कर मैंने मैक्रोनी के लिए, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये डालते हैं इसके अंदर, मैक्रोनी बॉयल हो रही है 10 मिनट्स तक। तो मगरिब की अज़ान हो गई, तो मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, जब तक 10 मिनट्स तक ये भी बॉयल हो जाएगी। तो वैसे भी हमारा मसाला तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये बॉयल होती है, तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैक्रोनी का। तो चलें, तो मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। देख सकते हैं 1 अदद मैंने गाजर ले ली थी, उसे भी कटिंग कर दिया मैंने, तो लास्ट में मुझे गाजर ऐड करनी है। मेरे घर वाले तो मज़े से खाते हैं, अगर आप लोगों को पसंद है तो डाल दें, वैसे अच्छी लगती है, आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये डाल देते हैं इसके अंदर, पर देख सकते हैं मसाला भी रेडी हो चुका है। तो गरम करने के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, रेडी हो गया था, तो अभी गाजर डालिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा चूल्हा ऑन कर दिया है, मीडियम लो पर मेरा चूल्हा है। तो यहाँ पर आप मैक्रोनी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बॉयलिंग हो रही है। तो चलें, तो मैं मैक्रोनी अब निकालती हूँ। हमारी मैक्रोनी भी बॉयल हो गई है, तो देख सकते हैं आप कितने खुली खुली और कितनी बड़े बड़े, बहुत अच्छी मैक्रोनी होती है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी ले सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े मैक्रोनी। तो चलें, तो अब मैं मैक्रोनी निकालती हूँ। एक फ्राई पैन ले लिया, तो मैंने इसके अंदर सारा मसाला डाल दिया है चिकन का, जो हमने मैक्रोनी के लिए बनाया था, ये हमने मैक्रोनी ले लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये डालने लगी हूँ, तो देख सकते हैं। तो चलें, तो मिक्स करती हूँ मैं इसे। आप लोग मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, तो देख सकते हैं आप लोग कितने मज़े की लग रही हैं, देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस का डालूंगी, बिल्कुल रेडी है मैक्रोनी, देख सकते हैं आप लोग। तो बस मैं सोया सॉस का ऐड करती हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला। अभी 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर और डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैंने और डाल दी इसके अंदर,